नमस्कार न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ रश्मि बिहार में हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दया राम राय है उनसे जानते हैं कि आखिर पंचायतों को लेकर इस वक्त की स्थिति बिहार में क्या है और क्या विकास के कुछ उम्मीद बिहार में बने हुए हैं सबसे पहले सर तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज फॉर नेशन चैनल पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर बात करें तो हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है ऐसे में सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो मुखिया बनाए गए हैं या फिर बिहार में जो पंचायती राज है उनके पास इतना अधिकार है कि वो ग्रामीण के विकास के लिए कोई फैसला ले सके अपने दम पर बिल्कुल उनके पास में अधिकार है तिहत्तरवा संविधान संशोधन के अनुरूप अगर भारत सरकार सारे देश में सभी राज्यों में एक साथ पूर्ण रूप से लागू कर दे तो वो उनको जो है सारे अधिकार हैं और विकास करने के लिए की रास्ताएँ बहुत हैं जो ग्राम पंचायतों में लेकिन दुर्भाग्य का बा, की बात है कि हमने सन में हमारे संगठन के स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर दत्त शर्मा ने बाउंडमे में इसको तैतवा संविधान संसो संशोधन को दिल्ली में एक बेहद आंदोलन छेड़ करके इसको लोकसभा में पारित तो करा दिया है लेकिन जब से लेकर अभी तक कोई भी राज्य सरकार इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही है इसलिए पंचायतों में विकास अवरुद्ध हो रहे हैं और नौकरशाही हावी हो रही है नौकरशाही हमारे निर्वाचित लोकतंत्र की प्रथम इकाई के मुखिया को एक कटपुतली समझ रही है तो बात अगर करें तो सीएम नीतीश कुमार की सरकार में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने गांव के लिए बहुत से विकास के काम किए हमने कई योजनाएं निकाली है तो क्या धरातल पे ये जो योजनाएं हैं वो नजर आती हैं देखिए धरातल पे नौकरशाही की वजह से योजनाएं कभी धरातल पे नहीं उतर सकती जब तक हमारे मुखिया को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा एक निर्वाचित है जो और उसके पीछे उसके ऊपर हावी सेक्रेटरी गांव का लेखपाल और भी विभाग के कई जो है वहाँ पदस्थ कर्मचारी रहते हैं उसके ऊपर अगर उनके ऊपर हावी रहेगा तो जो है कहाँ से विकास हो पाएगा जो वहाँ तक भ्रष्टाचारपन और जब तक इनको पूर्ण अधिकार अहतमान संविधान संशोधन के तहत नहीं दिया जाता है तब तक जो है व्यक्ति कोई भी कितना कुछ भी करे लेकिन जो है विकास पूर्ण रूप से संभव होना असंभव हो है तो आ, किस तरह की आ, मांग आपकी तरफ से की जा रही है यानी कि कौन कौन से अधिकार हैं जो आप चाहते हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार आपको दे हम नीतीश कुमार की सरकार से और प्रत्येक राज्यों की सरकार से भारत सरकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से यही चाहते हैं मांग करते हैं संगठन की ओर से कि बैनर तले कि जो तिहत्तवा संविधान संशोधन सभी राज्यों में पूर्ण रूप से लागू किया जाए और जब पूर्ण रूप से तिहत्तम संविधान संशोधन लागू हो जाएगा तो एक ग्राम सरकार बन जाएगी हमारे आज़ादी के बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सपना हो था कि ग्राम अपना अपना राज राज अपना राज पंचायती तो उनका साकार सपना साकार सपना जब तक नहीं होगा जब तक ये तहतमा संविधान संशोधन पूर्ण रूप से लागू पंचायतों में नहीं होगा सबसे जरूरी बात की सात निश्चय योजना की बात कही जा रही है हर घर जल का नल की बात कही जा रही है या और भी कई सारी योजना है जो बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई है या चलाई गई है इसको लेकर जो फंड है वो भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं लेकिन आप चूंकि ग्राम में रहते हैं आप संगठन के लोग हैं आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से मालूम होंगी कि जो फंड जारी किए जाते हैं उसका फायदा ग्रामीणों को मिल पाता है या नहीं नहीं मिल पाता है वही तो मैं कह रहा हूँ जो है जी जब तक जो है देखिए जो है जैसे मैं बता दू जो है हमारा गांव का मुखिया उसी पुलिया को बीस हज़ार में बनाता है और पीडब्ल्यूडी अगर उसी पुलिया को बनाए तो वो पैंतीस चालीस हज़ार रुपये में बनती है ठीक है ना तो जब तक जो है हमारे ग्राम मुखिया को प्रधानों को सरपंचों को कहीं सरपंच लिखा जाता है अध्यक्ष क्योंकि पृथक पृथक नाम है जो है अध्यक्ष ग्राम पंचायत का लेकिन नाम पृथक पृथक हैं कहीं सरपंच लिखा जाता है कहीं ग्राम प्रधान लिखा जाता है और कहीं यहाँ मुखिया लिखा जाता है तो जब तक हमारे सरपंचों को मुखियाओं को जो है पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक जो है विकास सही धरातल पर होना बड़ा असंभव है क्योंकि इस धन का जो वहाँ से जो है आता है राज्य सरकार से केंद्र सरकार से उसका अधिकतर बंदरबाट हो जाता है वो इसी में हो जाता है जो ठीक है ना आखिरी में हम जानना चाहेंगे कि आखिर बिहार सरकार से सरपंच और पंच के लिए कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो आप चाहते हैं कि बिहार सरकार उन्हें दे हम चाहते हैं जो है दे, देखिए जो निर्वाचित ग्राम सभा क्या है हुँ. एक तीसरी सरकार है जो तीसरी सरकार बने और सरकार का मतलब क्या होता है कि सारे अधिकार उसके पास में हो केंद्र सरकार है सारे अधिकार जो है उसी के पास में तो होता है ना कि हमको क्या करना है ठीक है ना कौन सा प्रस्ताव पास करना है कौन जो है उसको लागू करना है क्या है इसी प्रकार से राज्यों में होती है इसी प्रकार से तीसरी सरकार जे ये होना चाहिए जो है ठीक ना तो हमारे जो मुखियाओं को अधिकार तीसरी सरकार के रूप में मिलेंगे तभी जो है उसको हम चाहते हैं कि तीसरी सरकार बने महात्मा गांधी का सपना यही था जो आज क्राम क्यों बढ़ रहा है पहले लोग पंचायतों में वो बैठ कर के पाँच पंच बैठ कर के और पंचायत वहीं समाप्त हो जाती है हो जाती थी ना उसको न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते थे ना थाने के ना कोर्ट कचहरी के, के. लेकिन जब से ये अधिकार छिने हैं ठीक है ना तो ग्राम बढ़ रहा है ठीक है ना जो है अधिकारी आप जानते हैं आप मीडिया के हैं हमसे ज़्यादा अनुभव आप लोगों को है ठीक है ना क्या भ्रष्टाचार मचा होगा क्या अधिकारियों में जो है चल रहा है तो इसलिए आज की महती आवश्यकता है कि तीसरी सरकार बनना चाहिए यानी कि तीसरी सरकार की मांग सीएम नीतीश कुमार की तरफ को लेकर आप कर रहे हैं ताकि ग्रामीण के हित में जो फैसला हो वो पंच या सरपंच ले सके जी बिल्कुल ग्राम सभा इसी के लिए बनी होती है कि जो है हमें अपने गांव में क्या कराना है ठीक है ना कौन सा पिस्ता हमें पास कर करना है जिससे जो है जनता का भला हो जो है हमको कि किस चीज़ की आवश्यक आवश्यकता गाँव में अगर की आवश्यकता है तो हम उसको कराएंगे हमें तालाब की आवश्यकता है तो उसको कराएंगे जो हैडपम्प की आवश्यकता है तो उसको कराएंगे लेकिन जो है अभी जो है क्या है कि ऊपर से थोप दिए जाते हैं जो ग्राम पंचायतों में जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है जो है वो कराइए जो ठीक है ना जो इसमें पैसा बंदरवाट होता है काम तो उधर धरातल पे नहीं होता है okay. आ, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आई और सिंह वाइनी के वर्तमान मुखिया अरुण कुमार भी हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर पंचायतों को लेकर क्या मांग उनकी तरफ से की जा रही है सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज फॉरनेशन में बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फॉरनेशन के और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आ, आपने जो मेरा परिचय कराया मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं अरुण कुमार चौधरी शिववाहिनी पंचायत का वर्तमान मुखिया हूँ मैं इससे पहले भारत सरकार में निदेशक या कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस के पद पर कार्य कर चुका हूँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत और मैंने वी आर एस लिया है और हमने फैसला लिया इस बार कि रितु जायसवाल जो सिवाहिनी पंचायत की चर्चित मुखिया हैं वो अभी उसकी की जगह पर मैं चुनाव लड़ा हूँ और मैं उनका वो मेरी पत्नी होती हैं और मैं अभी जीत के आया हूँ जो अभी जो पंचायत को लेके जो बात चल रही है दरअसल जो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट जो किया गया संविधान में तिहत्तरवा संशोधन जो लाया गया उन्नीस सौ तिरानवे में, में नरसिम्हा राव के सरकार के समय में लाया गया था राजीव गांधी का सपना था और इसके अंतर्गत पंचायत को मूलभूत सुविधाएँ दी गई हैं जो गांधी का भी सपना था कि गाँव में स्वराज हो ग्राम स्वराज अपना राज गांधी का ये था और इसको धरातल पर लाने में समस्याएं हैं सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट में के ग्यारहवीं अनुसूची में करीब उनतीस सब्जेक्ट होते हैं विषय होते हैं और उनतीस विषय का अधिकार सरकार ने प्रथम सरकार जैसे केंद्र सरकार या ने तो दिया राज्य सरकार ने रोक के रखा है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि आपके घर आप घर के मुखिया हैं और आपके घर के उनतीस सब्जेक्ट को हटा के उसके ऊपर वहाँ का कोई व्यक्ति दूसरा जो है मानजन है आपकी समाज का वो बोलता हो कि नहीं उनतीस सब्जेक्ट हम देखेंगे तो आप तो घर के मुखिया रह नहीं गए तो ये समस्या हो गई है आज जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम करना है कृषि सलाहकार है क्या वो बताएंगे हमारे पंचायत के मुखिया के क्या कृषि सलाहकार प्रत्येक दिन दस बजे पंचायत कार्यालय में आके हाजिरी बजा के चार बजे क्या वो काम करके जा रहा है सरकार से तो पैसा लेता है ए सी एस के लिए बड़ी सारी योजनाएँ हैं सरकार की एक विकास मित्र होता है विकास मित्र को सत्रह हज़ार अठारह हज़ार रुपये सैलरी मिल रहा है कम सैलरी नहीं है क्या वो विकास मित्र धरातल पर ए सी के लिए काम कर रहा है पंचायत सेवक है क्या वो हर महीना का ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है सरकारी तो तंत्र जो है अपना काम कर नहीं रही है बदनाम कौन हो रहा है मुखिया क्योंकि पाँच साल बाद चुनाव में जाना है और बताया जाता है कि मुखिया जी बड़े भ्रष्ट हैं आप समझेंगे कि जो योजना सरकार के पी डिपार्टमेंट में सौ रुपया में होता है वही योजना का वही काम मुखिया के फंड से चालीस रुपया में होता है तो साठ रुपया का जो अंतर है वो क्या दिखाता है इसका मतलब है चालीस में अगर मुखिया कमा ले रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खे हो सकता है हम बिरले उदाहरण होंगे लेकिन आप फंड देखिए जो नल जल योजना की बात होती है जो नल जल योजना पी डिपार्टमेंट का एस्टीमेट देख लीजिए और वार्ड या के द्वारा या पंचायत के द्वारा बनाया गया है दोनों का देख लीजिए दोनों का अंतर दुगुना का होगा अर्थात ग्राम सभा जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान है ज़्यादा अच्छाई से पैसा खर्च करती है तो ग्राम सभा पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है ग्राम सभा पर भरोसा कीजिए देश का विकास होगा गांधी का सपना साकार होगा तो ये व्यवस्था के लिए हम बात करना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि बिहार में आठ हजार चार सौ मुखिया हैं उनके बीच में जाकर उनके भी एक शोध संस्थान बनना चाहिए जिस शोध संस्थान में उन मुखिया की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कैसे सामाजिक ऑडिट हो सकता है सामाजिक अकंछन हो सकता है सोशल ऑडिट हो सकता है कि हम व्यवस्था को और अच्छा करें लेकिन आज हमें मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि सरकारी व्यवस्था से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था ग्राम स्वराज की व्यवस्था है पंचायत की व्यवस्था है जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसको अगर स्वायत्तता दे दें तो देश का ऐसी सी डाटा जिस कहें, कहेंगे सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा में बहुत बड़ा सुधार आएगा बहुत बड़ा सुधार आया का जो कि आज़ादी के सत्तर साल में नहीं हुआ वो तीन साल में संभव है आप सिर्फ सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट्स पे आप उनको अधिकार दे दीजिए बहुत बड़ी बात नहीं संविधान में निहित है जिस संविधान से आपको निहित है उसी संविधान से मुखिया का भी अधिकार निहित है ग्राम सभा का अधिकार निहित है ग्राम सभा को वंचित क्यों किया जा रहा है इस बात पर सवाल उठना चाहिए बात अगर करें तो हमने देखा कि किस तरह से सिन वाहिनी के लोगों ने भारी मतों से आपको विजय बनाया अब मुखिया के पद पे बैठे हुए हैं बात करें तो क्या सीएम नीतीश कुमार की सरकार से खुश हैं आप क्योंकि आपकी पत्नी आरजेडी की नेत्री हैं लगातार आरजेडी और जे के बीच की जो भरण है वो देखने को मिलती है आप कितने सहमत है सीएम नीतीश कुमार की सरकार से देखिए मेरी पत्नी के साथ से जो मेरा गृहस्थी चलता है विचारधारा तो मेरा अपना होगा मैं किसी दल से संबंध नहीं हूँ मैं एक मुखिया हूँ और मैं ग्राम सभा के पक्ष का हिमायती हूँ कोई भी सरकार आएगी मैं यही बात करूँगा जो सरकार हमारे उनतीस विषय को हमें दे दे ताकि हम अपने घर का मुखिया बन जाए हम मुखिया नहीं हैं आज के दिन में हमें मुखिया बना दिया जनता ने सरकार ने बना दिया है स्थिति ये कि एक बेईमान भ्रष्ट ठेकेदार दलाल की उपाधि से विभूषित हमें होता पड़ रहा है दरअसल आप थोड़ी सी बात से आप समझ जाएंगे आज एक डीलर जो है वो डीलर का बेईमान कौन बना रहा है डीलर खुद बेईमान नहीं बन रहा है डीलर को कौन सी व्यवस्था की जा रही है जो डीलर मतलब जो राशन देता है वो राशन देने वाला व्यक्ति को मान लिया कि तिहत्तर टन तिहत्तर क्विंटल चावल बांटना है गेहूँ चावल मिलकर बांटना तो इसको कितना बांटना है तो इसका कमीशन इसमें कहाँ है अगर वो है तो दो हज़ार ढाई हजार रुपये तो वो आदमी ढाई हज़ार रुपये में दो आदमी काम कैसे कर सकता है आप व्यवस्था के अंतर्गत उसको दलाल और चोर बना रहे हो एक मुखिया को ढाई हज़ार की सैलरी दे रहे हो अब मुखिया जी का मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी उससे नहीं चलेगा आप व्यवस्था के अंदर उसको एक भ्रष्ट व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हो आप नियम इतना खराब बनाते हो अब बताइए कि आपके बिहार की बेरोजगारी बेचने के लिए लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं हम बेरोजगारी बेचते हैं हम भीख मंगे हम अपना भीख मांगने के लिए दूसरे जगह जाते हैं ऐसी स्थिति हमारी हो गई है कौन बनाया हम नहीं बोलते ये सरकार वो सरकार सरकार ने कोई ना कोई तो बनाया हमें और हम क्या कह रहे हैं जा रहे लुधियाना में अपने बेरोजगारी बेचते हैं पंजाब में बेचते हैं अहमदाबाद में बेचते हैं कमा के हम लाएँ हमारे घर में यहाँ की व्यवस्था में चोरियाँ हो रही हैं हम सिवाहिनी में चोरियाँ होती है तो हमारे गरीब लोग क्या करते हैं बेचारे कर्ज ले मकान बना लेते हैं अब आप एक नियम बना देते सरकारी बाबू वाला नियम मैं भी ब्यूरोक्रेट रहा हूँ लेकिन नियम है कि अगर आपके घर में 600 सौ ईट का पक्का मकान है तो आपको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा डेढ़ लाख रुपया वो बेचारा जो ईट का मकान बनाया है वो कितना कर्ज लेके बनाया है और कहाँ कहाँ उसको देना है ये नहीं है अब वो इंदिरा आवास उसको नहीं मिलेगा अब वो क्या करता है भ्रष्टाचार करेगा वो वो देगा पैसा हमारा कर्ज चत हजार डेढ़ लाख रुपया मुखिया जी दिलवा दीजिए मुखिया जी काट दे तो मुखिया जी का वोट चला जाएगा दे दे तो आप बोलेंगे मुखिया भ्रष्ट है तो आप तो व्यवस्था ऐसा बना रहे हो कि मुखिया बेचारा भ्रष्ट बन जाएगा सर आखिरी में एक सवाल है कि सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार से तो आपको बहुत सारी शिकायत है तेजस्वी यादव की सरकार से कुछ उम्मीद है कि अगर तेजस्वी आते हैं बिहार में तो बदलाव होगा देखिए आप मुझे राजनीति के अंदर में डालना चाह रही हैं मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ जो हमारे उनतीस विषयों को अधिकार मुखिया को दे दे हमारे ग्राम सभा को मजबूत कर दे वो हमारे गांधी के सपनों को जिएगा जो गांधी के सपनों को जिएगा हम उसके साथ रहेंगे जो हमारे सपनों का ऊपर कुटाराघात करेगा हम उनके बारे में विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहेंगे चाहे सरकार किसी की भी हो तो ये थे हमारे साथ मुखिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दया राम राय और साथ ही ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार जिन्होंने कई सारी समस्या अपनी बताई है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सीएम नीतीश कुमार को ग्राम पंचायत की ओर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ तीसरी सरकार बने इसको लेकर कोई योजना बिहार सरकार की तरफ से निकालनी चाहिए ताकि बिहार में ग्रामीणों के हित में कोई फैसला लिया जा सके और ग्राम जो है बिहार की जो गाँव है उनका भी विकास हो सके के इतना ही ज्यादा अपडेट के लिए आप बनी रहिए न्यूज फ़ॉरेशन के साथ नमस्कार